मायावती की पार्टी बसपा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बसपा ने कहा कि आने वाले चुनाव में वे बिहार की सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगी। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने पटना पहुंचते ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की सभी सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव में शानदार जीत भी हासिल करेगी। कार्यक्रम हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है राजगीर में, और जिसमें करीब करीब 3,000 पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसको लेकर के तैयारी चली है और उसको लेकर पूरे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उसको लेकर के हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और 100% हम लोग बड़ी ताकत बन के बिहार में आने वाले हैं, और आज हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी है। कुछ दिन पहले आते तो विपक्षी एकजुटता में भी शामिल हो जाते हैं, बीएसपी के साथ। देखिए, विपक्षी एकजुटता से हमें कोई मतलब नहीं है। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है। वो तो आने वाला समय तय करेगा क्या हमारा अगला स्टेप होगा क्या नहीं होगा। वो तो हमारा अगला स्टेप जो भी होगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तय करती हैं। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं वो अपना पार्टी के काम को काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का हमारा काम। बिहार में टोटल कुल कितनी सीटों पर आपकी तैयारी होगी? बिहार में हमारी सारी सीटों पर तैयारी है, देखिए, और सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ बिहार में लड़ने का भी काम करेगी और पूरी ताकत के साथ में रहेगी। बिल्कुल नहीं होगा। जो MLA भाग के जाते हैं वो उनकी कोई पर्सनल छवि नहीं होती, उनके पीछे एक बड़ा पार्टी का वोट बैंक होता है। तो ऐसे लोग जो पार्टी की सरकारदारी करते हैं जिधर भी करते हैं उनको आखिरी में हार का सामना करना पड़ता है, 100% उनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह की गद्दारी जो भी करते हैं लोग, उनको जनता, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो उनके साथ में नहीं जाते हैं। वो जा सकते हैं लेकिन सपोर्टर, वर्कर, उनके जो वोटर्स होते हैं वो नहीं जाते। UCC का आप समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो है वो विरोध कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या समर्थन? आपने स्टेटमेंट पूरा सही से सुना नहीं है। आदरणीय बहन जी ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में UCC के बारे में बताया है कि जो संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं हम उनका विरोध नहीं करें, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती, पूरे देश के अंदर कॉन्सेंसस बनाना चाहिए था, आम सहमत बनानी चाहिए थी, उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बिना अचानक इसको इस तरह से लागू करना, इसके विरोध में आदरणीय बहन जी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं, दारे बंजी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके लालू। वहीं जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में CBI की तरफ से डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल करने पर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय चार्जशीट को फाइल करना कोई नई बात नहीं है, चुनाव से पहले इस तरह के खेल होते रहते हैं। CBI ने तमाम लालू तेजस्वी जी को चार्जशीट कर दिया, किस तरह देखते हैं इस घटना को? अब देखिए, तो आने वाला समय बताएगा क्या है क्या नहीं है। ऐसे बहुत सारी चार्जशीट बनती भी रहती हैं, बिगड़ती भी रहती हैं। एक तो चुनाव का समय हो गया है, चुनाव के समय में ये सारे खेल चलते रहते हैं। क्या लगता है BJP जो है विपक्ष की पार्टियों पर एक बंदिश बनाने की कोशिश कर रही है CBI ED के द्वारा? आप बिल्कुल कह भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव के समय भी सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं और इससे पहले होनी चाहिए। और देखिए, ये सारी बातें छिपी नहीं है, जनता सब कुछ देखती है, जनता बड़ी होशियार है भारत की। और अब इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन 2024 में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। दरअसल नालंदा के राजगीर में बहुजन समाज पार्टी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे थे। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।